माई चैनल। सो इन टुडेज़ वीडियो मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी कुछ आर्ट वर्क्स, पेंटिंग्स एंड स्केचेस यानी ड्राइंग्स। सो ये मैं अपनी चाइल्डहुड की भी कुछ मेरे पास हैं, बिकॉज मुझे कुछ ही मिली, बाकी मुझे अभी तक मतलब याद है कि मैंने क्या क्या बनाया, बट मुझे नहीं पता मैंने कहाँ रखा है। सो कुछ चीज़ें जो मुझे मिली हैं मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर एंड कमेंट बिलो कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले मेरे बचपन की पेंटिंग्स मैं आपको दिखाती हूँ। सो लुक एट दिस, दिस इज मतलब पीछे शेडिंग की है, इतनी अच्छी शेडिंग नहीं आती थी उस वक्त मुझे, बट जैसी भी मैंने की हुई है। और सामने गर्ल बनाई है जिसके हैंड में बलून है, और ये ठीक अभी भी मुझे ठीक लग रही है, लाइक अच्छी है। ओके सो जो नेक्स्ट वाली है ना, ये वाली, जब मैंने ये बनाई थी मुझे ऐसा था कि इससे अच्छी पेंटिंग मैं बना ही नहीं सकती, बट मैं आपको बाद में अभी दिखाती हूँ मैंने जो अभी रिसेंटली कुछ पेंटिंग्स बनाई हैं। तो जो तो मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा मैंने क्या क्या बनाया, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। देन आप कंपेयर करके देखना कि ये पेंटिंग जो मुझे उस वक्त बेस्ट लगती थी ये मुझे कुछ नहीं लगती है, बट या ये मुझे अच्छी लगती है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा मेहनत से मैंने बचपन में बनाई है। सो दिस इज सेकेंड वन, एंड देन मैंने ये एक बनाई थी, ये गुडनेस एंड यू से इंस्पायर होके। मैं काफ़ी सारी अपनी जो पेंटिंग्स हैं उन्हीं से इंस्पायर होकर बनाती हूँ, बहुत अच्छी पेंटिंग्स होती हैं उनकी। तो ये है एक पिंकी विंकी सा है बैकग्राउंड में, और फेरी है यहाँ पे, एंड लुक एट द मून, सो फनी। ओके सो ये भी छोटे होते थी इसलिए। एंड वन इज दिस वन, दिस इज ऑल्सो माई चाइल्डहुड पेंटिंग, एंड इसमें मैंने हट बनाई है, ग्रास है एंड स्काई है, बस अच्छी है। बट फिर भी मुझे कलर्स काफ़ी ब्राइट लगे, काफ़ी अच्छे लगे। तो ये मुझे तीन चार ही मिली थी अपनी चाइल्डहुड की पेंटिंग्स, बाकी मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने पहले अपनी एक पेंटिंग कलेक्शन वीडियो बनाई थी उसमें मैंने नहीं दिखाई थी कुछ, और जो कुछ मैंने रिसेंट भी बनाई है। सो द फर्स्ट मुझे काउंटिंग भूल जाएगी, आप ऐसे देख लो। सो दिस वन आई मेड yesterday आई थिंक, और डे बिफोर yesterday। सो दिस वन इज लाइक ये सन है, मून है, डोंट नो। इसमें रेनबो सी शेडिंग है, यहाँ पे हिल्स हैं, दिस आर ट्रीज, एंड आई रियली लाइक इट, अच्छी लग रही है वैसे। सो इसके बाद है बहुत ब्यूटिफुल अगेन इंस्पायर्ड बाई गुडनेस इन यू, अलिका भट्ट, दिस वन। एंड ये मुझे मतलब जब उनकी वीडियो आई थी तभी साथ में मैंने कैनवस पहले ही बना लिया था, बिकॉज उन्होंने इंस्टा पे स्टोरी डाली हुई थी कि कुछ न्यू वीडियो आ रहा है, तो मैंने अपना कैनवस पहले ही रेडी कर लिया था, पेंट वगैरह सब रेडी कर लिया था। जैसे ही वीडियो आई मैंने स्टार्ट कर दी बनानी, एंड मेरी फर्स्ट रिक्रिएशन मेरी ही थी, तो उन्होंने मेरी स्टोरी भी डाली थी कि दिस इज़ सो क्विक रिक्रिएशन। सो मुझे बहुत खुशी है बिकॉज ये बहुत ब्यूटिफुल बना है, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना ये पेंटिंग, दिस इज़ सो गुड। ओके अगली वाली मेरी पेंटिंग है, मतलब मैंने खुद को बनाया है सेंटा, सो आई एम ऑल्सो सेंटा, इसलिए ये मेरी पेंटिंग है। एंड ये एंजेला एडिसन से इंस्पायर होकर मैंने बनाया है, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, मुझे बहुत पसंद है। एंड इसकी यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन होनी है, बट ऐसे ठीक है। सो इसकी ना जो ये चीक्स है ऐसा लग रहा है सच्ची में मतलब ना बहुत स्माइल कर रहा है, बहुत खुश है सेंटा, लाइक मी। सो दिस वन, सो उससे नेक्स्ट जो है ब्यूटिफुल अगेन ये वाली। सो इसमें मैंने बहुत मतलब ना मेरा पहले जो मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ हमेशा नेचर वाली होती थी, बट ये वाली जो मैंने बहुत ये मैंने कहीं से वीडियो नहीं देखी, एक पिक्चर थी पिंटरेस्ट से, तो मैंने वहीं से ये बनाई है। एंड मैंने कैनवस और इसके ऊपर ड्राइंग कब से करी हुई थी, मतलब आई थिंक 2020 में की थी, एंड 2021 में मैंने इसको बनाया है, बिकॉज इसमें खुद मुझे देखना था कि कैसी शेड्स बनानी है, कैसे कलर मिक्स करना है, कहीं से देखना नहीं, इसलिए काफ़ी डिफिकल्ट लगा, बट फिर भी मैंने बहुत अच्छी बना ली। एंड ये मुझे बहुत सुंदर लगी, लाइक वाह, सो गुड ना। ओके सो नेक्स्ट वन इज़ जिसकी मैंने वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी, ये वाली। एंड ये एक बाइसाइकिल पेंटिंग है जो मैंने आपके साथ शेयर करी हुई है, आप देख सकते हो मैंने कैसे बनाई थी। नेक्स्ट वन अगेन मैंने ये भी आपके साथ शेयर की हुई है, एंड दिस इज़ फाउंटेन वाली,
अगेन अलिका भट्ट मीन्स गुडनेस एंड यूथ इंस्पायर. ओके एंड द नेक्स्ट वन माय मोस्ट फेवरेट, मतलब सारी यार मेरी फेवरेट है, सारी मुझे अपनी बहुत अच्छी लगती हैं. दिस वन विच इज़ अ रोड पेंटिंग और ये डेली आर्ट इंस्टाग्राम एक अकाउंट पेज जो भी होता है वो है, तो वहाँ से मैंने देख के बनाई. एंड दिस इज सो सो प्रिटी, सच्ची में लग रहा है कि सड़क जा रही है, आसमान कितना प्यारा है, एंड आई लव इट. ओके नेक्स्ट अगेन मैंने आपके साथ शेयर की हुई है ये वाली, ये भी गुडनेस एंड यूथ इंस्पायर होके है. नेक्स्ट वाली भी उन्हीं से इंस्पायर होके है, ये वाली. दिस वन इज़ ब्यूटिफुल, मतलब मुझे ना पहले पसंद नहीं आई मेरी ये पेंटिंग, लाइक ये वाली चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, बट देन मैंने देखा कि ये कितना प्रिटी है, ये कितना ब्यूटी है. मैं खुद की पेंटिंग्स की खुद ही तारीफ कर रही हूँ बिकॉज मुझे बहुत पसंद है. सो आप कंपेयर कर सकते हो ये वाली पेंटिंग को और ये वाली पेंटिंग को, मतलब सारी पेंटिंग्स के साथ आप देखो कि कितनी ज़्यादा परफेक्शन आ चुकी है अभी, बट मुझे अभी और लेनी है परफेक्शन बिकॉज अभी भी मुझे कुछ चीज़ें मतलब नहीं आती हैं पेंटिंग में. तो नेक्स्ट वाली बहुत ब्यूटीफुल, जो मैंने बनाना था बट वो नहीं बना, ये मैंने कल बनाई थी ये वाली. इसमें ना यहाँ पे रेनबो शेडिंग थी, मैंने इतनी मुश्किल से यार यहाँ पे शेडिंग की, बट मैंने ट्रीज थोड़े ज़्यादा बड़े बना दिए जिस वजह से वो दिख नहीं रहा, बट यहाँ पे येलो ग्रीन आपको कलर कुछ दिख रहा होगा, बहुत अच्छी शेडिंग हुई थी बट वो दिख ही नहीं रहा, पर फिर भी काफ़ी प्रिटी लग रही है. ओके नेक्स्ट वन है ये ग्लास पेंटिंग है जो मैंने आपको दिखाई थी कैसे बनाई मैंने. सो दिस इज पीकॉक ग्लास पेंटिंग. द नेक्स्ट वन डेंडेलियन पेंटिंग, ये मैंने किसी कार्डबोर्ड पे नहीं लगाई, ये ऐसी मैंने बनाई हुई है. एंड ये भी मुझे काफ़ी पसंद है बिकॉज इस पर शेडिंग बहुत अच्छी हुई है. एंड अभी मैं एक ये पेंटिंग रह गई थी, ये भी मैंने बहुत स्टार्टिंग में बिगिनिंग में बनाई है, बहुत जब मैं ना मतलब मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे शेडिंग करनी है तब बनाई है, इतनी गंदी पेंटिंग. लुक एट दिस, नॉट नाइस, इसमें कुछ भी नहीं है यार, इसमें ना अच्छी शेडिंग है, लुक ऐसे जैसे ना ऊपर मतलब ब्रश फेरा है, कुछ भी इसमें अच्छा नहीं है, बट फिर भी मेरी चाइल्डहुड पेंटिंग है इसलिए मैंने इसको संभाल के रखा है. ओके नेक्स्ट वन इज दिस, इसमें अगेन मैं हूँ. मेरे कुछ फ्रेंड्स को पता है कि इसमें कौन है और कौन मैं हूँ, बट इसमें सेंटा भी है एक, और ये देखो मैं सेंटा हूँ, तो ये भी मेरी ही पेंटिंग है. एंड वन इज दिस वन, ये आई थिंक लास्ट पेंटिंग है, थोड़ी सी और है. सो ये वाली जो पेंटिंग थी ये मैंने आई थिंक वीडियो शेयर की हुई है, पहले मैंने ना एक छोटे कैनवस पे बनाई थी वो पेंटिंग, मुझे याद ही नहीं मेरी कुछ पेंटिंग्स गांव पे बड़ी हुई हैं, बट अगर मुझे मिली तो उसकी पिक्चर मैं लगाऊंगी, पिक्चर लगाऊंगी. तो ये वाली मैंने उसी टाइप की बनाई हुई है एंड ये बहुत अच्छी है, यहाँ से बहुत अच्छी है, नीचे से थोड़ी गंदी है, बट मेरी दीदी को बहुत पसंद है पता नहीं क्यों. सो या ये कैमलिन के कैनवस पे बनाई हुई है. सो अभी मैं एक और पेंटिंग दिखाती हूँ ये वाली, इसमें मैंने अपनी सिस्टर का नेम लिखा है, इसमें आप शेडिंग देख सकते हो, शेडिंग बहुत अच्छी की, क्योंकि मैंने स्प्रे पेंट से की हुई है और मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी. नेक्स्ट कुछ पेंटिंग्स, तीन पेंटिंग्स हैं जो मेरी सिस्टर ने भी बनाई हैं. सो दिस वन इज द फर्स्ट विच सेज बिलीव इन योरसेल्फ, दिस इज सो प्रिटी, मुझे बहुत बहुत पसंद है. एंड दिस इज द पेंटिंग. नेक्स्ट वन जो है दिस इज अगेन माय फेवरेट, दिस इज सो प्रिटी, ये भी मेरी सिस्टर ने बनाई हुई है. इसमें एक लड़की के पांव हैं, उसने एंकलेट्स पहने हुए हैं एंड ये उसकी ड्रेस लहंगा जो भी है बहुत सुंदर है ना, शेडिंग बहुत अच्छी है. एंड ये बहुत पहले की, मतलब आई थिंक थ्री और फोर इयर्स पहले बनाई थी दीदी ने, एंड इसमें इसका बैकग्राउंड कलर इतना अच्छा नहीं बना, ये भी गुडनेस एंड यूथ इंस्पायर होगी. सो दिस वन इज द थर्ड एंड द लास्ट ऑफ माई सिस्टर. बाकी वैसे वो ड्राइंग बहुत अच्छी करती है, उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, वो भी मैंने इंस्टाग्राम पे डाली हुई है, आप